बेड़ो प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत सेवा से समृद्धि की ओर विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस, महिला मंडलों को लाखों रुपये तक का क्रेडिट खाता में दिया गया, किसानों को भूमि संरक्षण योजना के तहत मोटर पंप का वितरण और मिट्टी के डॉक्टरों को किट बैग दिया गया एवं विभिन्न विभागों के द्वारा अंचल कार्यालय के माध्यम से लोगों को जागरूक होने की सलाह दी गई। इस विकास मेला में मांडर विधायक गंगोत्री कुजूर मुख्य अतिथि के रूप में थी। साथ ही प्रमुख भगत महतो, उप प्रमुख धनंजय कुमार राय, विश्वधरी अध्यक्ष रंजन अधिकारी, BDO विनोद सोनी CEO एवं अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस मेले में लाभुकों से जब हमारे संवाददाता ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, खासकर महिलाओं को जिनका इनको लाभ मिला है, तो वे एक स्वर में बोली कि सरकार की योजनाओं से हम खुश हैं और घर घर मोदी का यह नारा चरितार्थ होता नजर आ रहा है। चुनाव के बारे में वैसे नहीं, आप सब सरकार सरकार तो जिन्हें भी ये योजना का लाभ लेना हो हॉस्पिटल में आके गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। दुकानदार जो है जे गुमटी चलाएला, छोटा छोटा दुकानदारी करेला, बैठ के बाजार में कुछ बेचेला, उनके पास से भी पेंशन योजना के बारे सोच है। वो पेंशन मिली कैसे? 18 से 40 साल का उम्र है जी, उपाध्यक्ष मेरे विभाग का भी बात है। सरकार की ये योजनाएं आपके लिए कैसा लगता है? ठीक है, वोट तो सब इतनी अच्छी योजना है कि हर कोई इसका लाभ ले सकते हैं। मतलब गांव में कोई भी कार्डधारी, चाहे वो पिंक गुलाबी हो, लाल हो, सफेद हो, वाहन के नाम से आवास मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? सरकार की इन योजनाओं के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जंगल झाड़ जात रही है, काफी जोरी लागत रही, दवाई काफी जरूरत रही, सरकार की तरफ सरकार के कामों से आप खुश हैं? कैसे? चलिए ठीक है, सरकार की इन योजनाओं के बारे में। जी हाँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ और हम लोग के जितने भी हैं माता बहने सभी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आप भी आप जैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास चला गया है, पैसा चला गया है, अंतर्गत आपको घर मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की इन योजनाओं के बारे में? सबका पैसा चला गया है, सफल हो गई। चलिए ठीक, आप बोलिए। अभी बंसारी आप ये जो आवास योजना में आपको घर मिला है, हम लोग अभी आप इन योजनाओं के बारे में कुछ करेंगे? प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सरकार के। अच्छा, गैस वितरक महोदय, चलिए ठीक है, आपकी स्वीकृति से दे दें और लाभुकों को भी लेके आ जाए यहाँ पर। हम लोग गरीब को प्रधानमंत्री आवास के बाद ऐसे ही योजना हम लोग सेवा से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, मंडल के सरकार, राज्य की सरकार, सेवा है हमारे करने का मतलब उन्होंने जो बेहतर पंक्ति में बैठा हुआ है वहाँ से सेवा का कार्य शुरू करना, जहाँ तक जो गरीब लोग हैं उनको उस पंक्ति पे लाना ताकि वो अपना जीवन सुखमय ये से कर पाए। और आज इसकी बहुत जरूरत है, हम देखते भी हैं, आप भी देख रहे हैं कि गांव गांव तक, गांव के घरों तक, प्रत्येक घरों में कम से कम 3-4 ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ तक पहुँच गए और इसका लाभ में मतलब बैंक से जुड़े और बैंक में किसी तरह का, अगर मान लीजिए कि आप पेंशन योजना के तहत अगर आप आते हैं और किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको ये, तो उसमें उसका लाभ उठाएं। विकास मेला सेवा से समृद्धि की ओर, सरकार और सरकार के अधीनस्थ जो पदाधिकारी कर्मी हैं जनता के लिए जो सेवा कर रहे हैं और उस सेवा से जो लोग समृद्ध हो रहे हैं, अपनी आय को दोगुना तिगुना कर रहे हैं, अपने जीवन स्तर को उठा रहे हैं, इसी उद्देश्य को लेकर आज प्रखंड मुख्यालय में
प्रखंड स्तरीय मेला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभाग के स्टॉल लगे हुए थे। स्टॉल के अलावे लोगों को विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारियां दी गई और साथ में परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। परिसंपत्तियों के वितरण के अलावे प्रधानमंत्री आवास के तहत जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है और जो उन्हें प्रथम किस्त दे चुके हैं हम लोग, उन लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया। अंचल से जो पेंशन 1800 पेंशन स्वीकृत हुआ है उन लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया। इसके अलावा सुकन्या योजना बाल विकास योजना पदाधिकारी के द्वारा जो सुकन्या योजना का लाभुकों को लाभ दिया गया। साथ ही हम लोग गैस वितरण भी किए।